ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है, उसको आगे बढ़ाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जिसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेता है और उसे उसके विकास के लिए काम करता है। वो ना सिर्फ एक राजनीति के दायरे में रहता है बल्कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, लोगों से उनकी समस्याएं सुनता है, ग्रामीणों के बीच में बैठता है, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उस गांव का विकास किस तरीके से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की चर्चा करता है। आप देखिए, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी योजना और जिसका उद्देश्य था महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गाँव के व्यापक दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना। और इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और SAGY के तहत प्रत्येक सांसद बुनियादी ढांचे के साथ साथ सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी समग्र प्रगति का मार्गदर्शन करता है। आदर्श ग्राम स्थानीय विकास और शासन के स्कूल बनने वाले जो अन्य ग्राम पंचायतों को प्रेरित करते हैं, ग्रामीणों को शामिल करके वैज्ञानिक उपकरणों का लाभ उठाकर सांसद के नेतृत्व में ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। और इस योजना की खासियत यह है कि इसमें मांग संचालित होगी, समाज प्रेरित होगा, जन भागीदारी पर ही आधारित होगा, यानी कि क्या क्या मांगे उस गांव के लिए हो सकती हैं, समाज किस तरीके से प्रेरित होगा आगे बढ़ने के लिए, और जन भागीदारी पर आधारित, यानी कि प्रत्येक लोगों की भी उसमें सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है वो भी आपको बता दें। ऐसी प्रक्रिया शुरू करना जिनसे चिन्हित ग्राम पंचायतों का समग्र विकास हो सके, जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाना, बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उच्चतर उत्पादकता हो सके, उन्नत मानव विकास हो सके, बेहतर आजीविका के अवसर मिल सके, अधिकार और हक तक पहुंच सके, यानी कि जो ग्रामीणों का अधिकार है, जो उनके हक के अंतर्गत आता है वो उन्हें मिल सके, व्यापक सामाजिक लाभबंदी, समृद्ध सामाजिक पूंजी, स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय सरकार के मॉडल तैयार करना जो पड़ोसी ग्राम पंचायतों को सीखने और अनुकूल के लिए प्रेरित कर सके। ये एक तरीके से समझिए जैसे कि एक गाँव है, उसने विकास किया, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ लाई गई, ढांचा तैयार किया गया और अब उस गांव को देखकर दूसरे गांव भी प्रेरित हो और उस गांव से सीख लेकर खुद को भी विकास की राह पर ले जाने की कोशिश करें, या फिर ये मांग उठती रहे कि क्या क्या सुविधाओं की ज़रूरत है प्रत्येक गांव में। अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए चिन्हित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के लिए विद्यालय के रूप में विकसित करना। देखिए, बहुत सुंदर ये लाइन, जहाँ पर ग्राम पंचायत जो विकसित हो चुकी हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, उनका विकास इस तरीके से हो कि विद्यालय के रूप में वो एक शिक्षा दे सके अन्य गांवों को, ताकि वो भी विकास कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, अगर इन तीन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो वो गांव आदर्श ग्राम के अंतर्गत आता है, क्योंकि उन्हें अपने ज़रूरत के जो संस्थान है वो मौके पर मौजूद हैं, उनको अपनी समस्याओं के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। और इस वजह से विद्यालय के रूप में विकसित करना है चिन्हित आदर्श ग्रामों को, ताकि उनसे सीख ली जा सके और अन्य ग्राम भी इनसे सबक लेकर आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें। ऐसे SAGY के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण देखे जाते हैं। आदर्श ग्राम पंचायत विकसित करने के लिए सांसद के नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का लाभ उठाना, स्थानीय स्तर पर सहभागितापूर्ण विकास के लिए समुदाय को शामिल करना और संगठित करना, लोगों की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुरूप व्यापक विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और निजी एवं स्वैच्छिक पहल को एकीकृत करना, साथ ही स्वैच्छिक संगठन, सहकारी तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, इसके साथ ही परिणामों और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गाँव का चयन कैसे करें,
ये इसकी भी एक छोटी सी प्रक्रिया, हालांकि ये ज़रूरी है सांसदों के लिए कि उन्हें किस तरीके से इस प्रक्रिया के अंतर्गत चयन करना है किसी भी गांव का, वो एक बार बता देते हैं आपको। ग्राम पंचायत मूल इकाई होगी, मैदानी क्षेत्रों में इसकी जनसंख्या 3000 से 5000 और पहाड़ी आदिवासी दुर्गम क्षेत्रों में इसकी संख्या 1000 से 3000 होगी। सांसद अपने गांव या अपने पति पत्नी के गांव के अलावा आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सांसद एक ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे जिस पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा और दो अन्य की पहचान करेंगे जिन पर थोड़ी देर बाद काम शुरू किया जाएगा। लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में से एक ग्राम पंचायत का चयन करना होगा, साथ ही राज्यसभा सांसद को इस राज्य में अपनी पसंद के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। यह होगा सांसद का जिम्मा कि उनको किस तरीके से किसी भी गांव को चुनना है और उसका विकास करना है, और उसके बाद दो अन्य भी ग्राम चुनना है जिसके विकास धीरे धीरे करना है। अब देखिए, आदर्श ग्राम को लोगों की साझा दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए जिसमें उनकी क्षमताओं, उपलब्ध संसाधनों का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। सांसद, ग्राम पंचायत, नागरिक समाज और सरकारी मशीनरी द्वारा उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से आदर्श ग्राम के तत्व संदर्भ विशिष्ट हो, और हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण गतिविधियों को व्यापक रूप से पहचान कर करना संभव है और उनमें कुछ बिंदु शामिल होंगे जिनमें व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं, साथ ही सुशासन शामिल होगा। चिन्हित गांव को आदर्श ग्राम में बदलने की जो रणनीति है वो किस तरीके की हो सकती है वो भी एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। प्रवेश बिंदु गतिविधियां समुदाय को सकारात्मक सामान्य कार्रवाई के लिए सक्रिय और संगठित करती है। लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को एकीकृत तरीके से पहचानने के लिए सहभागी नियोजन अभ्यास होना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा अन्य राज्य योजनाओं से संसाधनों को एकत्रित करना है, साथ ही जहां तक संभव हो मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और नवीनीकरण करना, ग्राम पंचायतों और उनमें विद्यमान जन संस्थाओं को मजबूत बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। देखिए, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग इसके माध्यम से हो सकता है जहाँ पर प्रौद्योगिकी को अपनाना और नवाचार की शुरुआत करना इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये मोटे तौर पर कई सारे इसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे। मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकी होगा, कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी नवाचार, आजीविका संबंधी प्रौद्योगिकियां और नवाचार, उपयुक्त भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता संबंधी योजनाएं होंगी। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक मोटे तौर पर आप समझिए कि एक जो गांव है वो किस तरीके से विकसित होगा कि वो गांव भी कहलाएगा, वहाँ से वहाँ की मिट्टी से अनाज भी निकलेगा, किसान भी मजबूत होगा, समृद्ध होगा, और उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो युवा पीढ़ियाँ हैं, वो हर वो सुविधा का लाभ उठा पाए जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत यही कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक गाँव शहरों से जुड़े, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बेहतर हो, मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो, इंटरनेट की उपलब्धता बराबर बनी रहे, नेटवर्क की उपलब्धता बराबर बनी रहे, लोगों को कोई भी अपने किसी भी काम के लिए कहीं भटकना ना पड़े, वहाँ पर इंटरनेट के चलते जो भी ऑनलाइन काम किए जाते हैं वो हो, बैंक की शाखाएँ वहाँ पर हर जगह मौजूद हों, ATM की व्यवस्था हो, स्कूल अच्छे हों, स्वास्थ्य अच्छा हो, यहाँ तक कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की उनके लिए बेहतर वहाँ पर प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ हो। ये तमाम चीज़ों को और अच्छे तरीके से निखारना, एक गांव के लिए सारी व्यवस्थाओं को बनाना, सुव्यवस्थित करना ताकि बच्चे हर उस चीज़ का लुत्फ उठा सकें, हर उस संसाधन का आनंद ले सकें जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है उनके समग्र विकास के लिए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत की थी, ये न जाने देश के कितने ऐसे गांव हैं जिनमें एक नया दौर लेकर आई है और युवा आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के, वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो युवा हैं वो बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास वो सुविधाएँ हैं।
वो व्यवस्थाएं हैं, संसाधन हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशान नहीं होना पड़ता है। इस योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और कितना बेहतर इसे किया जा सकता है, ज़रूर साझा करिएगा। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।